रोहित अग्रवाल जी, पहला चरण जाटलैंड है ना, पूरा भरोसा रहा होगा आप लोगों का कि कुछ अच्छा ही हुआ होगा हमारे फेवर में। वैसे योगी सरकार कह रही है कि हमने तो सबका साथ सबका विकास को लेकर के इस विजन के साथ काम किया है, तो जनता विकास देखेगी, इस आधार पर भी वोट होगा। मुझे थोड़ा सा बताइए, इस ये दूसरे चरण में जो वोट का जो ट्रेंड दिख रहा है, अभी तो खैर बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी भी मतदाताओं के अंदर वोटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। वो कन्फ्यूज्ड है कि किसे वोट करें ना करें, या करें ना करें, बहुत तरह की बातें। वैसे सबसे अच्छा तो हो कि सभी निकल कर वोटिंग करें, मताधिकार का इस्तेमाल करें। इस ट्रेंड को देखकर पिछली दफ़ा जो हुआ और इस बार जो हो रहा है, क्या लग रहा है RLD समाजवादी पार्टी के गठबंधन को क्या फायदा नजर आ रहा है? रोहित बताइए। शंकर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है पहले चरण में क्या हुआ। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, जो ट्रेंड्स आए हैं सामने। और हाँ, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ सर, मैं वरिष्ठ पत्रकार हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि 10 तारीख को ये दावा कीजिएगा कि सुपड़ा साफ हो गया। अभी आप भी मत कीजिए, अभी वरिष्ठ नेता ही लग रहे हैं मुझे जो है। नहीं, तो ये कह देना ना, ये सकारात्मक वाक्य जैसा बात मत कीजिए ना कि सुपड़ा साफ हो गया। तुच्छ पत्रकार है बस, ठीक है वरिष्ठ पत्रकार, अगर आपको बुरा शब्द लग रहा है तो आप तुच्छ पत्रकार हैं, धन्यवाद। अब आगे सुनिए, तो क्या क्या बोला आपने, क्या बोला, कौन सा पत्रकार? आपको वरिष्ठ पत्रकार नहीं, कौन सा, इसके बाद कौन पत्रकार बोला आपने? छोटे पत्रकार है। हाँ ठीक है, हम छोटे पत्रकार हैं और आप बड़े नेता हैं, तो आप बड़े नेता जैसा बात कीजिए कि सुपड़ा साफ, सुपड़ा साफ किसका होगा? नहीं, वो 10 तारीख को पता चलेगा ना भाई साहब। अरे तो वरिष्ठ पत्रकार बुरा लग गया या भाजपा की बुराई बुरी लग गई? आपको बुरा लग रहा है, आपको बुरा लग गया होगा ये बात कहने में। बुरा क्या लगा, वरिष्ठ पत्रकार होना बुरा लग गया या भाजपा की बुराई बुरी लग गई, दोनों में से क्या बुरा लगा? समीकरण बताइए भाई साहब, पता चलेगा किसको कितना बुरा लगा, बताइए। तो चलिए, पहला तो समीकरण था कि पहले चरण में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी का, आपकी भविष्यवाणी चलिए लिख लिए। दूसरा भविष्यवाणी बताइए, 53 सीटें 2017 में जहाँ पे जीत के आए थे, वहाँ जब सुपड़ा साफ हो रहा है तो दूसरे चरण में तो 55 में से 28 सीटें जीत के आए थे। ये दूसरे चरण में तो सुपड़ा साफ होना इनका लाजमी है। अच्छा, में तो इनके लिए कुछ बचा ही नहीं। 55 में 38 बोलिए भाई साहब, इसलिए कहते हैं बड़ा नेता जैसा थोड़ा सा आंकड़ा भी सही रखिए। 55 में 28 नहीं, 38 था बीजेपी का। 38 था, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का अपने रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, 38 नहीं था, 35 था, जिसमें तीन पोच करके ले गए। हम छोटे पत्रकार हैं भाई साहब, हमें 38 ही बताया गया, 38 ही पढ़ रहा। आप बुरा मान रहे हो। बुरा नहीं भाई साहब, आप जो आंकड़े पे बात करते हो, दुरुस्त आंकड़े रखा कीजिए भाई साहब। आप रोहित अग्रवाल प्रवक्ता RLD के, आपको आंकड़े नहीं पता है? नहीं, आपको आंकड़े नहीं पता है, और ऊपर से कह रहे हो, दावे के साथ कह रहे हो 10 मार्च अभी आया नहीं है, लेकिन 10 मार्च के पहले जो है, 10 मार्च के पहले बाबा रोहित अग्रवाल की भविष्यवाणी पूरी जनता सुन रही है। बाबा रोहित अग्रवाल की भविष्यवाणी है कि 10 मार्च से पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि पूरा वोट कर लो, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये जितनी गोदी मीडिया ये कहो सकारात्मक वाक्य प्रयोग ना करो। चलिए आप बोलिए, मुझे ये ट्रेंड जो चल रहा है इस वक्त, गोदी मीडिया है, उसकी भाषा भी 10 मार्च को बदल जाएगी। ये गोदी मीडिया किसको कह रहे हो आप? 90% ये गोदी मीडिया किसको कह रहे हो? औकात है तुम्हारी गोदी मीडिया, जिस गोदी मीडिया कहने की, रोहित अग्रवाल मीडिया है जिसकी भाषा, औकात है तुम्हारी गोदी मीडिया कहने किसी को, है ना? औकात है तुम्हारी गोदी मीडिया कहने किसी के ऊपर आरोप लगाने की, रोहित अग्रवाल छोटा सा नेता, गली का नेता, और मीडिया को गोदी मीडिया कहने की औकात है तुम्हारी? हाथ में अपने आप को बेच के यहाँ पे बैठे हुए हो, तुम्हारी हैसियत है? रोहित अग्रवाल गोदी मीडिया किसको कह रहे हो तुम? रोहित अग्रवाल किसको कह रहे हो? तुमको कह रहा हूँ, तो तुम तुच्छ सा छोटा सा नेता RLD का, तुम्हारी हैसियत है गोदी मीडिया कहने की? गोदी मीडिया कहने की हैसियत है तुम्हारी? शर्म करो, तुम शर्म करो रोहित अग्रवाल, तुम शर्म करो। मीडिया के साथ बात करने की क्या मर्यादा होती है ना, उसकी उसका थोड़ा सा ख्याल रखो। रोहित अग्रवाल गोदी मीडिया कहने से पहले ना अपनी प्रोफाइल भी चेक कर लो कि है कि नहीं उतनी बड़ी प्रोफाइल कहने की, गोदी मीडिया कहने के लिए आ गए, है ना? एक शब्द सुन लिए गोदी मीडिया, कौन सा कैसा होता है गोदी मीडिया? भाजपा के दलाल हो तुम, दलाल हो भाजपा के कार्यालय में खाली तुम लोग हाजिरी बजाने जाते हो। हो गया ना रोहित अग्रवाल, हो गया आपकी भविष्यवाणी क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर, सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, मैं दलाल हो गया, मैं गोदी मीडिया हो गया, और उसके बाद जीतने के दावे कर रहे हो रोहित अग्रवाल?
यार बताओ, थोड़ा सा ना मर्यादा ख्याल रखिए, मर्यादा का ख्याल रखिए। नहीं नहीं मर्यादा ना, बैठाते हैं तो इज्जत दीजिए। मैं गोदी मीडिया और दल, अगर मैं गोदी मीडिया और दलाल होता ना तो सवाल नहीं पूछता आपसे, वरना बुलाता आपको। चैनल पे आया हूँ, आपका गेस्ट हूँ, उसके बाद मर्यादा। गेस्ट हो तो गाली दोगे क्या? गाली दोगे? गाली दोगे मुझे? गाली दोगे? गोदी मीडिया बोलोगे? गेस्ट हो तो क्या सम्मान दे रहे हैं आपको? गोदी मीडिया, गोदी मीडिया और दलाल बोलोगे मुझे? रिवाइंड करके सुन लो, तुमको बोला मैंने गोदी मीडिया? किसको बोला? किसको बोला गोदी मीडिया? क्यों बोला आपने? रोहित अग्रवाल की हैसियत है मीडिया पर सवाल उठाने का, गोदी मीडिया कहने का? आरएलडी का छोटा सा प्रवक्ता, तुम्हारे ऐसे बिके हुए पत्रकार, गली का प्रवक्ता, बात करेंगे तो पता नहीं प्रवक्ता हो भी या नहीं हो, सूची सूची विश्वास के पास आएंगे। एक मिनट प्रवक्ता रोहित अग्रवाल, कह रहा हूं बार बार आपसे, गोदी मीडिया बोलने से पहले ना चार बार सोचा करो किसको बोल रहे हो आप। पूरे मीडिया पे आरोप लगा रहे हो, उसी मीडिया पे जो अखिलेश यादव को दिखा रहा है, उसी मीडिया पे जो जयंत चौधरी को दिखा रहा है, उसी मीडिया पे आरोप लगा रहा हो ना जो जयंत चौधरी के भाषणों को दिखा रहा है, और उसको गोदी मीडिया बोलते हो आप। क्यों बिक के बैठते हो तुम? क्यों बिक के बैठते हो यहाँ पे? अपनी लैंग्वेज सही करो आप रोहित अग्रवाल, लैंग्वेज सही करो। अगर टेलीविजन डिबेट पे बैठते हो, लैंग्वेज सही करो, गाली देना बंद करो आप। पहले आप मीडिया को गाली दोगे, फिर आप गलत हो।